Hello every friends, my blessings and affections to all my pupils from the bottom of my heart, and we always hope and wish for a bright future. Today is the class of 9th class. In the previous class I have taught you how to recognize subject, verb and object and persons, in which I taught you very very important things for the learning of translation from Hindi to English. Now I am going to teach you today time and tense. Very clearly I would like to tell you that it is very traditional to learn and to teach only tense, but it is not perfect to teach you only tense. The name of the chapter is time and tense. You must know what is time and what is tense and what is the difference between time and tense. Here I have written the definition of time and tense. Time is the study of the meaning of the verbs. Time is the study of the meaning of the verbs. अर्थात क्रिया के अर्थ का मीनिंग का अध्ययन करना ही टाइम कहलाता है. मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है, आई सी यू टुमारो. ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टुमारो. ये देखने से तो लग रहा है कि परफेक्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन इसके मीनिंग को आप देखेंगे तो इसमें जो टुमारो वर्ड दिया गया है, टुमारो शब्द दिया गया है, ये फ्यूचर टाइम को शो करता है. इसका एक्चुअली में अर्थ क्या होगा, मैं आपसे कल मिलूंगा. उसी तरह से द सीएम इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, अर्थात चीफ मिनिस्टर महोदय नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह यहां पर आ रहे हैं. तो इस समय नहीं आ रहे हैं, अगले सप्ताह आएंगे. यह मीनिंग क्या है, फ्यूचर टाइम को शो करता है मीनिंग के आधार. अब आगे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं, हम अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें सीखने के लिए, उसको मैं आपको अब बताने जा रहा हूं. उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा. टेंस, यू मस्ट नो व्हाट इज टेंस. आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस. समबडी नोज, बट मेनी स्टूडेंट्स do not know what is the definition of tense. Every student of 9th class and every class must know what is the definition of tense. Tense is the study of the forms of the verbs. Kriya ke roop, forms means roop, prakar ka adhyayan karna hi kahlata hai tense. Arthat kriya ke roop ka adhyayan karna hi tense kahlata hai. अगर क्रिया के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, क्रिया के रूपों का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसके अलावा फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी कि एसआईएस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म. अब हम आगे बढ़ते हैं. टेंस सभी लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं. मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा, आप समझिए. देयर इज अ फादर, मतलब एक पिता है जिसके तीन लड़के हैं और उन तीनों के चार चार लड़के हैं और उन चारों के चार चार लड़के हैं. मतलब जैसे एक पिता यानी टेंस और उन पिता के तीन लड़के जिसका नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो प्रेजेंट के चार लड़के, पास्ट के भी चार लड़के और फ्यूचर के भी चार लड़के, अब उन चारों के चार चार लड़के, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इन चारों के चार चार लड़के अफर्मेटिव, निगेटिव,
इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि इस समय जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। हम जानते हैं वर्तमान काल अर्थात वर्तमान में जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जनरली मोटा मोटी तौर पे वाक्य के अंत में पहचान के रूप में आता है हूं आदि। अब इसमें जब हम कैटेगराइज करेंगे, यानी जब इंडिफिनिट जाएंगे, कंटिन्यूअस जाएंगे, परफेक्ट जाएंगे, तो अलग अलग चीजें होंगी। मुझे लगता है कि आप लोग इसको ठीक ढंग से जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला, ये पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके चार रूप होंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसके चार रूप होंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट जिसके चार रूप होंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसके चार रूप होंगे। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहां पर हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वह है अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात हकारात्मक वाक्य। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC रूल। इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, इसको हम फाइनाइट वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इसमें से कोई भी आप कह सकते हैं। मैंने इसको LV1 लिखा है, यानी कि जब आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य दिया जाएगा तो आप उसमें यह रूल अप्लाई करेंगे, पहले कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और जो बचेगा वो लिखेंगे। इसमें मैं जनरली नोट लिखवाता हूं, नोट, थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईयस जोड़ते हैं। यानी कि यदि क्रिया, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और एक वचन, आप जानते हैं कर्ता जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है तो यस या ईयस न जुटेगा, सेकंड पर्सन है तो यस या ईयस न जुटेगा, और यदि थर्ड पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर जगह उलझाएगा, यदि थर्ड पर्सन है और एक वचन है, जैसे बॉय एक वचन हो गया लेकिन बॉयज बहुवचन हो गया, तो बॉय होगा तो उसमें यस या यस लगेगा, और यदि बॉयज होगा तो यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि वह बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद से जनरली मैं बताता हूं यस या यस जोड़ने के नियम, यस या यस जोड़ने के नियम। तो इसमें क्या होता है, आप समझ लीजिए, जैसे यदि क्रिया का अंतिम अक्षर यस हो, CH हो, ओ हो, यस नहीं डबल यस, यस डबल यस, CHO आदि, तो इसमें हम ES जोड़ते हैं, बाकी के साथ सिर्फ यस जोड़ते हैं। मतलब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इसको पहले मैं मिटाना चाहूंगा, यानी कि यस सब्जेक्ट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा राइट, फिर लिखा आपने टीच, अब इसमें आप कैसे यस या यस जोड़ेंगे? CH है तो इसमें हम यस जोड़ेंगे, और इसमें ई है यानी कि इसमें यस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? राइट्स, राइट्स, और ये क्या हो जाएगा? टीचर्स। ध्यान दीजिएगा, यदि हम सिर्फ यस यहां पर यस जोड़ें, यस, तो इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। मतलब यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे कि सर यस जोड़ रहे हैं तो भी एक वचन बन रहा है, और ईएस जोड़ रहे हैं तो भी एक वचन बन रहा है, तो क्यों नाम एक से ही काम चलाने? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका सीधा सा उत्तर है प्रोनाउंसिएशन को ठीक ढंग से करने के लिए, यानी कि सही उच्चारण करने के लिए हम यस या ईएस का फर्क करते हैं। यानी कि इस टाइप का हो, यानी कि जहां CH आया हो, डबल एस आया हो,
यस एच आया हो, यस एच आया हो तो यस एच डबल एस सी एच ओ, तो उसमें हम यह जोड़ते हैं, बाकी के साथ प्रोनाउंसिएशन को ठीक ढंग से उच्चारित करने के लिए हम ऐसा करते हैं, फर्क करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये भी आप लोग आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, उसको आप देखिए, जैसे ट्रांसलेशन में एग्जाम्पल्स हम भगवान में विश्वास करते हैं, वह बहुत पैसा कमाता है, पानी पर तेल चलता है, यह सड़क गोरखपुर को जाती है। चार उदाहरण। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी आपको कोई उदाहरण दिया जाए तो सबसे पहले आप टेंस पहचानिए, अंत में जाइए, ते हैं, ता है, ता है और ती है, यानी कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। अब कैसे पहचानेंगे कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, अंत में पूर्ण विराम आया है, मतलब या तो यह अफर्मेटिव है या निगेटिव है, मतलब इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस नहीं है। और देखिए इसमें कहीं नहीं आया है, नहीं नहीं आया है, मतलब यह अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि विश्वास करने का काम कौन करता है, हम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया क्या है, विश्वास करना, तो यानी कि बिलीव, बी ई एल आई ई वी ई। अब इसमें हम यस या यस जोड़े कि नहीं जोड़े, एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, अंग्रेजी की जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब बहुवचन में होती हैं, इसलिए एक फार्मूला कहा जाता है यस यस फार्मूला और पी पी फार्मूला, यानी सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विथ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी क्रिया यदि कर्ता यदि सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो हम क्रिया को यस या यस जोड़ के एक वचन में कर देंगे, यानी कि वह बहुवचन में ऑलरेडी होता है, यानी कि यह भी कह सकते हैं अभी क्रिया में यस या यस इसलिए जोड़ते हैं ताकि वह एक वचन में बदल जाए। तो वी बिलीव, अब क्या बचता है, भगवान, इन गॉड, ऐसे वी बिलीव इन गॉड। फिर वह बहुत पैसा कमाता है, तो आप यहां बनाइए इसको ही, अब उसके पास करता है, पैसा कौन ज्यादा कमाता है, ही, यानी पैसा कमाने कार्य कौन करता है, वह, यानी करता क्या हो गया, ही, यहां पर राम श्याम हरि प्रकाश कोई भी हो सकता है। अब वह क्या करता है, कमाता है, तो कमाने का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, हम अर्न। अब इसमें हम यस या यस जोड़े कि नहीं जोड़े, तो इसके लिए हम बैक होंगे, वापस आएंगे कर्ता के पास, तो कर्ता क्या है, ही, या आई है नहीं, वी है नहीं, यू है नहीं, और बहुवचन है नहीं, यानी कि थर्ड पर्सन एक वचन है, अर्थात क्रिया में यस या यस लगेगा, तो यस डबल यस है नहीं, यस एच है नहीं, सी एच है नहीं, ओ है नहीं, यानी कि यहां पर क्या लगेगा, यस, ही अर्न्स और ए लॉट ऑफ मनी, ही अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी। अगला उदाहरण, पानी तेल पर चलता है, क्या चलता है, पानी चलता है कि तेल चलता है, यानी चलने का कार्य कौन करता है, तेल। हम क्या लिखेंगे, यही लिखते हैं, ऑयल, ऑयल और ऑयल चलता है, ऑयल चलता है, चलने का अंग्रेजी क्या होगा, यहां पर फ्लोट, एफ एल ओ ए टी। अब इसमें हम यस एस जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम आएंगे बैक, कर्ता के पास, कर्ता क्या है, ऑयल, यानी कि क्या है, एक वचन है, थर्ड पर्सन एक वचन है, यानी कि आई है नहीं, वी है नहीं, यू है नहीं, और यह कहीं से बहुवचन जितना नहीं है, तो आई है नहीं मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं है, वी है नहीं फर्स्ट पर्सन नहीं है, यू है नहीं सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में एक वचन है, तो इसमें यस या यस हम जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, क्यों यस जोड़ेंगे, क्योंकि यस एच पर समाप्त हुआ नहीं है, डबल एच पर समाप्त हुआ नहीं है, ओ पर समाप्त हुआ नहीं है, एक पर समाप्त हुआ नहीं है, यानी कि इसमें हम यस जोड़ेंगे, आयल फ्लोट्स और क्या बचता है, पानी पर, यानी कि ऑन वाटर, ऑन वाटर, आयल फ्लोट्स ऑन वाटर। इसके बाद से अगला उदाहरण है, यह सड़क गोरखपुर को जाती है, तो कौन जाता है, सड़क, यानी कि दिस रोड,
अब उसके बाद से जाती है, तो जाने का अंग्रेजी आम गो नहीं लिखेंगे, लीड लिखेंगे, लीड्स, एल ई ए डी एस, यह एक वचन हो गया, दिस एक वचन, लीड्स, अब टू गोरखपुर, ऐसे यह आपके कुछ उदाहरण है। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैंने आपको अफर्मेटिव के चार उदाहरण बताए, इसी के साथ साथ मैं आपको नेगेटिव उदाहरण भी अब बताऊंगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एलवी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यानी पहले हम कर्ता लिखेंगे, डू या डज में से कोई एक लिखेंगे, नॉट सबके साथ लिखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख के जो बचेगा वो लिख देंगे। इसमें आप नीचे नोट के रूप में आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा, थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, सेस के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आप हम आते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स, पेड़ पर पैसा नहीं उगता है, मेरी सहायता आप नहीं करते हैं, आपका बेटा नियमित रूप से विद्यालय नहीं आता है। तेरा इसमें करता क्या है, पैसा, यानी उगने का कार्य क्या नहीं करता है, पैसा, यानी कि हम लिखेंगे मनी। अब या तो डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, तो डू होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट पर्सन है नहीं, सेकंड पर्सन है नहीं, थर्ड पर्सन एक बचा है, तो डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी मेरी सहायता आप नहीं करते हैं, तो मेरी सहायता कौन नहीं करता है, आप। इन सहायता करने का काम किसके द्वारा नहीं किया जाता है, आपके द्वारा, यू सेकंड पर्सन है, तो डू नॉट, यू डू नॉट हेल्प मी। इसके बाद से आपका बेटा नियमित रूप से विद्यालय नहीं आता है, तो नियमित रूप से विद्यालय कौन नहीं आता है, तो आपका बेटा, योर सन, योर सन। उसके बाद से आप लिखेंगे डज नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली, ध्यान दीजिएगा, बहुत मैं इसको पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जनरली आपका योर को लोग सेकेंड पर्सन समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आपका माई आवे, योर आवे, और क्या नाम है, आवर आवे, तो इसके साथ तो नाउन जुटता है, यानी माई, ध्यान दीजिएगा, माई, योर और आवर, इसके साथ प्लस नाउन, यदि यह जुटता है प्लस नाउन ये वाला, तो इसके हिसाब से, यानी यह और यह और यह, यह फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को शो नहीं करता है, बल्कि इसके साथ जो नाउन आता है वह थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन में एक वचन होता है, जैसे माई फ्रेंड और माई फ्रेंड्स, माई सन और माई सन्स, माई सन मतलब मेरा बेटा एक, माई सन्स मेरे बेटे, यानी कि एक से अधिक, ऐसे। आवर स्कूल यानी कि हमारा स्कूल, थर्ड पर्सन, तो योर सन आपका, ये थर्ड पर्सन एक वचन हो गया, डज नॉट, डज नॉट लेगा ही, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कम टू स्कूल और नियमित रूप से, रेगुलरली, ये आपका उदाहरण नेगेटिव का। जैसे यूज ऑफ ऑलवेज एंड नेवर, यूज ऑफ ऑलवेज एंड नेवर, इसका
आप समझ लीजिए ऑलवेज जो अफर्मेटिव शो करता है, नेवर नेगेटिव शो करता है, लेकिन इसका यूज जो है, प्रयोग जो है वह सेंटेंस में एक ही ऐसा होता है। यानी कि लिख देंगे हम सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज या नेवर प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे वह सदा सत्य बोलता है, यहां दूसरा लिखता हूं, मैं अपना समय कभी नष्ट नहीं करता हूं, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, मेरे दादा जी नित्य सवेरे उठ जाते हैं। यानी कि वह एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, सदा और नित्य, हमेशा सदा और नित्य, यह ऑलवेज का मीनिंग होता है तीन, और नेवर का मतलब कभी नहीं। ही ऑलवेज ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, दूसरा आई नेवर वेस्ट माई टाइम, फिर मेरे दादाजी माई ग्रैंड फादर ऑलवेज गेट्स अप इन द मॉर्निंग, माई ग्रैंड फादर ऑलवेज गेट्स अप, एक है दादाजी गेट्स GETS अप इन द मॉर्निंग। इस तरह से हमने प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट का हमने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। इसका जो एक्सरसाइज होगा वो मैं आपको लिख कर ग्रुप में भिजवा दूंगा, इसको ठीक से सुनिएगा और ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।